हेलो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में आज ऑनलाइन क्लासेस में क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर लास्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम हमने पहले तीनों प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है जैसे कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम एंड थर्ड वन इज डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम अब हम इसकी लास्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्लीपिंग बारबर प्रॉब्लम इसमें ही प्रॉब्लम ये आती है द एनालॉजी इज बेस्ड अपॉन अ हाइपोथेटिकल बार्बर शॉप विथ वन बार्बर देर इज़ बार्बर शॉप विच हैज़ वन बार्बर वन बार्बर चेयर एंड एन चेयर्स फॉर वेटिंग फॉर कस्टमर्स इफ़ देयर आर एनी टू सीट ऑन द चेयर इफ़ देयर इज़ नो कस्टमर देन बार्बर स्लिप इन हिज ओन चेयर वेन कस्टमर अराइव ही हैज़ टू वेकअप द बार्बर इफ देर आर मेनी कस्टमर्स एंड बार्बर्स कटिंग अ कस्टमर्स हेयर्स दैन द रिमेनिंग कस्टमर्स आइट द वेट इफ़ देअर आर एम टी चेयर्स इन द वेटिंग रूम और दे विल लीव इफ नो चेयर आर एम टी यहाँ पर स्लिपिंग बाबर प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि एक बाबर शॉप है जिसमें एक बार बार एक बाबर की चेयर है और कस्टमर के लिए कुछ वेटिंग चेयर्स हैं तो बार बार बारबर्स के चेयर पर अगर सोया हो हुआ है तो कस्टमर अगर शॉप पर आएगा तो कस्टमर आकर उस बारबर को नींद से उठाकर बारबर चेयर पर बैठ जाएगा और अगर बारबर अपना काम कर रहा है तो कस्टमर वेटिंग चेयर पर बैठ सकता है यदि चेयर खाली है तो और अगर चेयर खाली नहीं है तो कस्टमर वापस जा सकता है तो यहाँ पर देखिए कस्टमाइज लीविंग बार बार एंड कस्टमाइज एंट्रिंग तो वो बार बार को उठाकर उस पर बैठ जाएगा द सॉल्यूशन इस्ट the solution to this problem includes three semaphores first is for the customer which count the number of customer present in the waiting room second the uh, zero or one is used to tell whether the barber is idle or is working, and the third mutex is used to provide the mutual exclusion, which is required for the process to execute. In this solution, customer has the record of number of customers waiting in the waiting room. If the customer of customers is equal to the number of chairs in the waiting room, then the upcoming customer leaving the leaves the barber shop. When barber shop uh, shows uh, up in the morning he execute the proce procedure. Uh, pro uh, barber causing him to block on the sema for customers because it is initially zero then the barber goes to sleep until the first customer comes up when customer arrives he execute customer procedure the customer acquires the mutex for entering the critical reason if another customer enter the thereafter the second will be not able to anything until the first has uh, released the mutex the customer then checks the chair in the waiting room if waiting customer are less than number of chairs then he sits otherwise he leaves and release the mutex if Chair is available then customer sits in the waiting room and increment the variable waiting value and also increment the customer's semaphore. This wake up the barber if he is sleeping. At this point customer and barber are both awake and the barber is ready to give uh, that person a haircut when haircut is over the customer exit the pr uh, procedure and if देर इज़ नो कस्टमाइज वेटिंग रूम बार बार स्लिप्स यहाँ पर देखिए मैंने इसको चार्ट के द्वारा बताया है स्टार्ट स्लीपिंग कस्टमर कटिंग हेयर एंड गोइंग होम स्टार्ट होगा अगर वो स्लीपिंग है तो कोई अगर कस्टमर है तो वो उसको उठाएगा और कस्टमर उसकी चेयर पे बैठ जाएगा तो वो वेट करेगा तब तक आ, कटिंग करेगा हेयर्स की तब तक वो कस्टमर वेटिंग कंडीशन में चला जाएगा अगर वो कटिंग कर देता है तो वो गोइंग होम जाएगा तो फिर अनादर कस्टमर उसका आ जाएगा अब जब लास्ट में कोई कस्टमर नहीं बचेगा तो वो क्लोजिंग टाइम उसका होगा यहाँ पर हमने इसके लिए एल्गोरिथम लिखा है सेम एज जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ पर भी हमने सेमा फोर कस्टमर बारबर और म्यूटेक्स तीन वैल्यू ली हैं इफ़ अगर सीट्स फ्री हैं नंबर की अगर एन नंबर्स हैं तो कस्टमर यहाँ पर आएगा बार बार के यहाँ पर वेट करेगा कस्टमर में अगर वो स्लिप कर रहा है तो वो उसको उठाएगा और बैठ जाएगा बाकी सारे कस्टमर क्या करेंगे सीट करेंगे दे और उसकी सीटिंग कंडीशन प्लस होती जाएगी और जब वो फुल हो जाएगा तो कस्टमर क्या आ जाएंगे यहाँ पर वेटिंग कंडीशन में आ जाएंगे नहीं तो वो लीव कर देंगे कस्टमर में क्या होगा कि जल्द ट्रू प्रोटेक्ट सीट्स ऑलसो ओनली वन कस्टमर ट्राइज टू सीट इन चेयर इफ़ दैट्स द केस तो वो सीट डाउन करेगा इफ़ फ्री सीट इज ग्रेटर देन जीरो है तो वो सीटिंग करेगा अगर वो नहीं है तो वो उसको रिलीज़ कर देगा या फिर uh, जो कस्टमर होगा वो हेयर कट करके रिलीज़ करेगा या फिर वो चला जाएगा अगर वहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर लीव कर देगा थैंक यू स्टूडेंट अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा